दोस्तों एक्सेल में डे बुक कैसे बनाएंगे। डे बुक का मतलब होता है कि अगर आप कोई बिजनेस करते हो ना, तो उसका हिसाब किताब मेंटेन करना कि हमारे पास किस किस सोर्स से कितना पैसा आया, किस किस सोर्स के जरिए कितना पैसा गया और कितना हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है, तो ये सब मेंटेन करना होता है डे बुक। तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक ऑटोमेटिक आसान सी डे बुक तैयार की है जो आपके काम आएगी, आसानी से समझ में आएगी और कुछ नया सीखने को भी मिल जाएगा। तो यहां पे आप देखिए पहले इसका डेमो, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सब कुछ बनाना सिखाने वाला हूं। तो यहां पे मेरे पास तीन सीट है, रिसिप्ट, पेमेंट और डे बुक। रिसिप्ट के अंदर हमारी वो सारी एंट्रीज होंगी जहां से हमने अमाउंट रिसीव किया, पैसा आया, और पेमेंट के अंदर वो सारी एंट्रीज होंगी जहां हमने पैसा दिया। डे बुक के अंदर पूरा हिसाब किताब होगा कि हमारे पास टोटल किस डेट को कितना पैसा आया, कितना गया, बैलेंस ऑफ डे क्या था, टोटल बैलेंस कितना है, तो वो सारी डिटेल आपको यहां डे बुक के अंदर मिलने वाली है। यहां पे रिसीप्ट के अंदर आप जाओगे तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि आपको ये दोनों एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। सीरियल नंबर और डे यहाँ पे ऑटोमेटिक होगा। आप जैसे ही यहाँ पे कोई अगली एंट्री करोगे तो यहाँ पे आपका डे और सीरियल नंबर अपने आप आ जाएगा, बाकी एंट्री आपको करनी है। अब यहाँ पे रिसिप्ट के मेथड है कि आपने किस किस मेथड से जो अमाउंट रिसीव किया, आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखी है, कार्ड है, कैश है, गूगल पे है, पेटीएम है, जो भी है, तो यहाँ पे आप एंट्री करते रहोगे और यहाँ पे टोटल लेखा जोखा आपको दिखता रहेगा कि कैश में टोटल कितना पैसा आया है, कार्ड से कितना पैसा आया है, गूगल पे से कितना है, पेटीएम से कितना है और टोटल कितना पैसा आया है, ठीक है। उसी तरह पेमेंट पे आप जाओगे, यहाँ पे आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट की एंट्री आप यहाँ से शुरू करोगे, सीरियल नंबर और जो डे है वो अपने आप आएगा। यहां भी वही चार मेथड मैंने लिए हुए हैं, ठीक है, कार्ड, कैश, गूगल पे, पेटीएम। तो यहां पे आपको दिखता रहेगा किस किस मेथड के जरिए कितना कितना आपने पेमेंट किया हुआ है, और यहां डे बुक के अंदर सब कुछ होगा कि किस डेट को कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, बैलेंस क्या था उस दिन का और टोटल बैलेंस क्या है, सब कुछ आपको यहां पे मिलेगा। ये पूरे एक साल की डे बुक है दोस्तों, कंप्लीट 1 ईयर की डे बुक हम यहां पे बनाने वाले हैं। और अगर आपको किसी भी डेट का जो भी है डिटेल चेक करनी है तो यहां पे आप सर्च भी कर सकते हो। डेट लिखोगे तो उस डेट का जो अमाउंट रिसीव किया आपने, रिसीप्ट किया, अमाउंट पेमेंट किया, बैलेंस ऑफ डे, टोटल बैलेंस, सब कुछ यहाँ पे आएगा। तो काफी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है और ये बहुत काम का वीडियो, आपको पूरा देखना है एंड तक। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहें। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इन सीट्स को रीनेम करना है। सीट वन पे हम करेंगे डबल क्लिक और इसका नेम हम देंगे रिसीप्ट, रिसीप्ट। सेकेंड सीट पे डबल क्लिक करेंगे और इसका नेम हम देंगे पेमेंट। थर्ड सीट का नेम हम देंगे डे बुक, ठीक है। रिसिप्ट वाली सीट पे आएंगे और यहां दोस्तों हम पहले रिसिप्ट की जो एंट्री होंगी उनके लिए टेबल बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं यहां रो नंबर 10 के सामने क्लिक कर रहा हूं और यहां पे मैं पहले लिखूंगा सीरियल नंबर, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा सेट कर लेंगे, पार्टिकुलर की जो विड्थ है इसको हम थोड़ा ज्यादा करेंगे। रिसिप्ट मेथड इसको कंप्लीट शो कराइए, अमाउंट और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है इसको थोड़ा सा हम ज्यादा करेंगे, ठीक है। और डेट भी थोड़ा सा हमें सेट करना होगा इस तरह से, सीरियल नंबर कम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इतना करने के बाद आपको एक काम करना है, ये जो हेडर्स आपने लिखे हैं इनको सिलेक्ट करिए और नीचे से एक या दो रो और ले लीजिए, ठीक है, ये ले लिए। और इसके बाद कीबोर्ड से प्रेस कीजिए कंट्रोल टी, कंट्रोल टी, और यहां माई टेबल हैज हेडर पे टिक लगा के ओके कर दीजिए। तो ये एक टेबल बन गई, ठीक है। अब यहां इस टेबल में सबसे पहले हम सीरियल नंबर सेट करेंगे, थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं इस तरह से। यहां पे सबसे पहले हम सेट करेंगे सीरियल नंबर, ठीक है। तो सीरियल नंबर में क्या फॉर्मूला होगा, हम यहाँ पे सीरियल नंबर जो ऑटोमेटिक चाहते हैं कि जैसे ही हम एंट्री करें तो सीरियल नंबर अपने आप आ जाए। तो हम सीरियल नंबर कब एंटर करें, अगर इस डे में कुछ लिखा हुआ है, डे में हम कुछ भी एंट्री करें, डे लिखें तो यहां पे सीरियल नंबर आ जाए, अगर ये खाली रहे ये डे वाला सेल तो ये भी खाली रहे। तो यहां पे फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला आप देखिए, थोड़ी सी विड्थ में ज्यादा कर लेता हूं फॉर्मूला समझाने के लिए। इक्वल करके इफ,
ब्रैकेट ओपन, अगर इस सेल में जो भी लिखा हुआ है वो ब्लैंक है, इक्वल डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स बंद, अगर इस सेल में जो भी लिखा हुआ है वो ब्लैंक है तो ब्लैंक ही आ जाए, अदरवाइज यहां पे रो का फॉर्मूला आप लगा दो, रो लिखो और ब्रैकेट ओपन 1:1, ये फॉर्मूला आपको लगा देना है। दो बार ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एक रो की और एक इफ की, एंटर कर दीजिए, तो यहां पे जो है ये फॉर्मूला आपका लग गया। ठीक है, अब जैसे ही सेल के अंदर कुछ भी आप लिखोगे तो यहां पे अपने आप 1 आ गया, ये आ गया, यहां पे कुछ टाइप करोगे तो अपने आप 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और होम पे जाके इनको सेंटर में भी कर देंगे, ये मैंने सेंटर में कर दिया। ठीक है दोस्तों, यहां से इनको खाली करोगे तो ये अपने आप जो है सीरियल नंबर हट जाएगा, ये तो हो गया सीरियल नंबर का काम। अब यहां पे डे आना चाहिए, डे कब आएगा, जब यहां पे हम डेट लिखेंगे तो उस डेट पे जो भी डे है वो आना चाहिए। मान लीजिए मैंने यहां पे एक डेट टाइप कर ली 1 अप्रैल, ठीक है ये टाइप कर दी मैंने, अब यहां पे इस डेट को क्या डे है वो यहां आना चाहिए, तो इसके लिए भी यहां पे एक फॉर्मूला हम लगा लेंगे इक्वल टेक्स्ट। बट उससे पहले दोस्तों यहां पे जो डे है ना वो तब आना चाहिए जब इस डेट में आप डेट लिखो, डेट में डेट ना लिखो तो ये डे भी ब्लैंक रहेगा, डे ब्लैंक रहेगा तो सीरियल नंबर ब्लैंक रहेगा, तो यहां पे हमें एक फॉर्मूला लगाना होगा फिर से इफ का। इफ ब्रैकेट ओपन, मैं एक काम करता हूं इस कॉलम की जो विड्थ है इसको थोड़ा सा ज्यादा कर लेता हूं ताकि फॉर्मूला आपको क्लियर दिखे। ठीक है, तो यहां पे लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल, अगर इस सेल में जो डेट है वो ब्लैंक है तो ब्लैंक ही आए, अदरवाइज यहां पे टेक्स्ट का फॉर्मूला लगे, टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन और टेक्स्ट के अंदर वैल्यू में ये वाली डेट देनी है, कॉमा करके डबल कोट्स ओपन और यहां पे 3 बार डी दबाना है, डी 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 डबल कोट्स बंद और ये टेक्स्ट वाली ब्रैकेट बंद और ये इफ वाली ब्रैकेट बंद, एंटर कर दीजिए, तो यहां पे ये देखिए मंडे आ गया। आप ये डेट यहां से करोगे डिलीट तो दोनों खाली हो गई, अगर यहां पे डेट आप टाइप, अगर यहां पे कोई और डेट आप डालते हो तो उसी के अकॉर्डिंग यहां पे जो है डे आएगा, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, तो इतना समझ में आ ही गया होगा, अब आगे करते हैं, इसकी जो विड्थ है इसको हम कम कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, चलिए अब हमें करना क्या है कि हमारा जो रिसिप्ट मेथड है यहां पे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। रिसिप्ट मेथड का मतलब किस किस मेथड से हमारे पास पैसा आ रहा है, कैश से आ रहा है, कार्ड से आ रहा है, पेटीएम से आ रहा है, गूगल पे से आ रहा है, जो भी है। तो जहां तक आपने टेबल बनाई है ना, टेबल हमारी कहां तक है, नीचे 2 रो है यहां तक, है ना, तो आप रिसिप्ट मेथड वाले कॉलम में ये 2 सेल्स को सिलेक्ट करोगे, नीचे तक जहां तक आपने टेबल बनाई है सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद जाना है डेटा टैब में और डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन और यहां लाओ से लेना लिस्ट और यहां पे पेमेंट मेथड आपको टाइप करने कॉमा लगा लगा के। मान लीजिए पहला हमारा हो गया कैश कॉमा, सेकंड हमारा हो गया कार्ड कॉमा, थर्ड हमारा हो गया गूगल पे, गूगल पे थर्ड हमारा हो गया मान लीजिए पेटीएम, जो भी आपके यहाँ पे रिसिप्ट मेथड है वो आप लिख लीजिए, ओके कर दीजिए, तो यहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएंगी, ये देखिए है ना दोनों सेल्स के अंदर बन गई है। उसके बाद बाकी हमें यहाँ पे एंट्री मैन्युअली करनी होगी, ठीक है, डेट यहाँ पे लिखनी होगी। चलिए एक दो एंट्री यहाँ पे कर लेते हैं, इन दोनों जो वहाँ पे ऑटोमेटिक एंट्रीज होंगी इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके, रोज को आप यहाँ से इनको अलग कलर से हाईलाइट कर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ से ये कलर ले लिया, ठीक है, और बोल्ड कर दिया। उसके बाद यहाँ आपको डेट टाइप करनी है, जैसे मैं यहाँ पे डेट टाइप कर रहा हूँ 1 अप्रैल, ठीक है, ये मैंने एक डेट टाइप की, तो यहाँ पे देखिए डे अपने आप आ गया। पार्टिकुलर मतलब यहाँ पे जो हम एंट्री कर रहे हैं वो रिसिप्ट की एंट्री कर रहे हैं कि हमारे पास पैसा आया। मान लीजिए हमारे पास क्या पैसा आया, रेंट आया, रेंट किसका, आपकी कोई शॉप है उसका रेंट आया, रेंट ऑफ शॉप, ये लिख लिया आपने। ठीक है, रिसिप्ट मेथड किस मेथड से वो पैसा आया है, तो मान लीजिए कार्ड से पैसा आया है, कितना पैसा आया, मान लीजिए 20,000 पैसा आया है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप लिख सकती हो कि रेंट हैज बीन रिसीव्ड या रेंट रिसीव्ड, जो भी आपको लिखना है तो वो यहां पे आप अपनी याद के लिए लिख सकती हो, और डिस्क्रिप्शन में लिख दिया। ठीक है, सेकेंड एंट्री आप यहां पे करोगे, मान लीजिए एक एंट्री और कर देते हैं भाई, यहां पे सेम डे में हमारे पास एक और जो है इनकम हुई, पैसा आया, वो आया मान लीजिए कमीशन आया, कमीशन आया किसी चीज का, और वो किससे आया यहाँ पे आप लिख लीजिए गूगल पे या जो भी सिलेक्ट कर लीजिए, गूगल पे से आया और वो आया आपका 5,000। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कमीशन फ्रॉम
एक्स वाई जेड जो भी है वो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। नीचे नए रिकॉर्ड आप ऐड करोगे तो यहाँ पे अपने आप जो है अब ये टेबल नीचे अपने आप चलती रहेगी। एक डेट और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए 4/2/2019। जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये देखिए नीचे सीरियल नंबर और डे अपने आप आ जाएंगे और बाकी एंट्री आप यहाँ पे कर लीजिए। मैं इस एंट्री को भी कंप्लीट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन। तो ये तो हो गया हमारा इतना काम, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम थोड़ा सा ऊपर एक डैशबोर्ड सा बनाएंगे कि हमारे पास किस कार्ड से कितनी पेमेंट आई, टोटल कितनी जो है आई है। तो आपने यहाँ क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद इनको मर्ज कर लेना है और यहाँ पे आप लिखोगे समरी, ठीक है। नीचे जाओगे और नीचे जाने के बाद इन दोनों सेल्स को मर्ज करोगे। इन दोनों को क्या आप यहाँ से इनको सेलेक्ट कर लो, ठीक है, 4/5 कर लीजिए और मर्ज एंड सेंटर पे जाके मर्ज अक्रॉस कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखोगे ये कॉलम वाली लाइन हट जाएंगी और इनको सेलेक्ट करके यहाँ पे हम लगा देंगे ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे रिसीप्ट मेथड, रिसीप्ट मेथड, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट, ठीक है। थोड़ा हाईलाइट कर लेंगे, सिलेक्ट करके बोल्ड कर देंगे और यहाँ से कोई कलर ले लीजिए आप इस तरह से, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे जो रिसीप्ट के मेथड है वो आप लिख दीजिए, कैश है आपका, कार्ड है, गूगल पे है, पेटीएम। नीचे आपको यहाँ पे इन दोनों सेल्स को और मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है टोटल रिसीप्ट अमाउंट, ठीक है। उसके बाद इस कॉलम की थोड़ी सी विड्थ को सेट कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। यहाँ इसको हाईलाइट कर लेंगे, सेलेक्ट करके ये हाईलाइट कर देंगे, ठीक है, और बॉर्डर भी लगा देते हैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर। अब यहाँ दोस्तों हमें करना क्या है कि कैश का टोटल अमाउंट आ जाए, कार्ड का टोटल अमाउंट आ जाए, गूगल पे का और पेटीएम का। तो यहाँ पे हम सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पे क्लिक किया इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज। क्राइटेरिया कहाँ चेक करना है, क्राइटेरिया हमें चेक करना है यहाँ पे, तो ये हम रेंज ले लेंगे, कॉमा कॉमा। उसके बाद कह रहा है क्राइटेरिया क्या चेक करना है, क्राइटेरिया में हम ये वाला सेल दे देंगे कॉमा। उसके बाद कह रहा है सम रेंज, टोटल कहाँ से करना है, टोटल यहाँ अमाउंट से करना है, बस एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग गया और इसको पकड़ के नीचे खींच लीजिए यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक खींचना पेटीएम तक। तो अब यहाँ पे आप देखोगे जो जो एंट्री आपने की है, गूगल पे और कार्ड की एंट्री की है, तो गूगल पे के सामने टोटल 45,000 है, आप देखोगे यहाँ पे 40,000 और 5,000 और बाकी आपका 20,000 यहाँ पे कार्ड के अंदर है। अगर आप यहाँ से इनका पेमेंट मेथड चेंज कर देते हो, मान लीजिए मैंने इसका कर दिया पेटीएम कर दिया, तो पेटीएम के अंदर ये अमाउंट आ गया, बाकी आप यहाँ से जो चेंज करोगे उसी के अकॉर्डिंग ये जो है काम करेगा। यहाँ पे टोटल करना है तो इस सेल में क्लिक करके मैंने टोटल की शॉर्टकट की दबा दी ऑल्ट प्लस, तो यहाँ पे टोटल आ गया, ठीक है। तो इतना काम हमारा यहाँ पे रेडी हो गया। समिफ का फॉर्मूला नहीं आता तो लिंक ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से सीखिए। इन सेल्स को मैं मर्ज करूंगा और मर्ज करने के बाद यहाँ पे आप अपनी कंपनी वगैरह का नेम लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। और इसको हाईलाइट कर लेते हैं थोड़ा सा और इसका बोल्ड करके साइज वगैरह सेट कर लेते हैं इस तरह से। और नीचे आप यहाँ लिख सकते हो भाई ये जो रिसीप्ट आप बना रहे हो वो कौन से महीने के लिए है और ये कौन सी सीट है। तो यहाँ पे अमाउंट रिसीप्ट की सीट है, ट्वेंटी ट्वेंटी, एंटर कर दीजिए तो इस तरह से आ जाएगा। इसको सेलेक्ट करके सेंटर में कर लीजिए, थोड़ा साइज बढ़ा लीजिए और बोल्ड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ रिसीप्ट अमाउंट है, मैंने सेल पे डबल क्लिक कर लिया, इसको सेलेक्ट करेंगे केवल, इस पर कोई कलर लगा देंगे, साइज बड़ा कर देंगे इसका, थोड़ा सेट लगे इसे और बस बार क्लिक कर लीजिए तो ये ठीक है। इसका भी कोई कलर आप सेट कर सकते हो, हाईलाइट कलर अगर आपको करना है तो, ये कर लिया, बॉर्डर लगा लिया। तो इतना दोस्तों काम कंप्लीट है, ठीक है। ये हमारी है रिसिप्ट की सीट रेडी। अब हमें पेमेंट की सीट बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी है, हम क्या करेंगे यही सारा कुछ कॉपी कर देंगे कैसे, देखिए। तो अब आपको यहां पे क्लिक करना है यहां पे, तो कंप्लीट सीट आपकी हो जाएगी सिलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद पेमेंट वाली सीट पे आ जाइए और यहां A1 सेल पे क्लिक करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए, तो सब कुछ यहां पे भी आपका जो है आ जाएगा। अब यहां आपको थोड़ा सा चेंज करना है बस, ये एंट्री आप कर लीजिए पहले तो डिलीट यहां से, ठीक है। उसके बाद यहां आप रिसिप्ट की जगह पेमेंट कर दीजिए,
पेमेंट, यहां पे भी आपको पेमेंट करना है, पेमेंट मेथड। उसके बाद यहां पे भी आप इसको पेमेंट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, यहां पे पेमेंट मेथड वही है जो हमने रिसिप्ट में रखे थे। अगर आपको कुछ नया ऐड करना हो तो दोबारा से आप इनको बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने सब कुछ कॉपी कर लिया है, सारे फॉर्मूले, सारा फॉर्मेट सब कुछ यहां पे आ गया है। ठीक है, तो यहां पे हम करेंगे पेमेंट वाली एंट्री। मान लीजिए मैंने यहां पे 1 अप्रैल को पेमेंट की, किसको दिए, मान लीजिए मैंने मिस्टर दीप को पैसे दिए। ठीक है, पेमेंट मेथड किस मेथड के जरिए दिए, मान लीजिए गूगल पे से दिए। अमाउंट कितना दिया, 20,000 दिया। और यहां पे आप लिखोगे पेमेंट टू मिस्टर, डिस्क्रिप्शन में आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। यहां पे मैंने एक और पेमेंट कर ली 4/2/2019 को। ठीक है, यहां पे मैंने रेंट दिया बिल्डिंग का, और ये मैंने दिया कैश में। और यहां पे कितना दिया आप यहां लिख सकते हो, 40,500। ठीक है दोस्तों, और एंट्री आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, मैं अब इसमें ज्यादा एंट्री नहीं कर रहा हूं अभी। यहां पे पेमेंट और रिसीप्ट दोनों सीट हमारी रेडी हैं। अब हमें जाना है डे बुक के लिए, तो डे बुक पे हम क्लिक करेंगे और यहां पे डे बुक का काम करेंगे। मैं यहां पे क्लिक कर रहा हूं 10th रो पे, और यहां पे डे बुक के लिए हमें लिखना होगा सीरियल नंबर, और यहां पे हो जाएगा बैलेंस। यहां से इनको सिलेक्ट करके डबल क्लिक कर देंगे कॉलम सेपरेटर पे, तो आउट ऑफ फिट इनकी जो विड्थ हो जाएगी। ठीक है, ये दोस्तों जो डे बुक हम बना रहे हैं वो कंप्लीट 1 ईयर के लिए है। तो हमें करना क्या होगा, यहां पे 1 से लेके 365 या 366 तक जितने साल में दिन हो सीरियल नंबर डालने होंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा 1, दोबारा क्लिक करूंगा यहीं पे। होम टैब के अंदर लास्ट में एक फिल का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और यहां सीरीज में जाएंगे, कॉलम पे क्लिक करेंगे, यहां पे 1 लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे 365 या 366 जो भी है। तो मैंने लिखा 366, ओके कर दिया, तो यहां पे सीरीज फिल हो गई। ये कंप्लीट नीचे 366 तक है। यहां पे हमें डालनी है डेट। हम जो डे बुक मेंटेन करते हैं दोस्तों वो कंप्लीट 1 ईयर के लिए होती है, और सेशन जो शुरू होता है हमेशा वो अप्रैल से मार्च होता है। तो मैंने यहां पे 1 अप्रैल की डेट डाल दी 2019। ठीक है, इस डेट को थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। तो यहां पे राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल पे जाके यहां डेट पे क्लिक करके कोई डेट का फॉर्मेट जो है दूसरा ले लेंगे, ये वाला ले लिया मैंने, ओके कर दिया, तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहां डबल क्लिक कर दीजिए तो ये डेट अपने आप नीचे तक फिल हो जाएगी। कॉलम की जो विड्थ है थोड़ी सी आप इसको बढ़ा दीजिए, ये देखिए है ना। तो यहां आप देखोगे पूरे 366 तक ये डेट अपने आप फिल हो जाएंगी, ये देखिए 366, 31 मार्च 2020। कंट्रोल होम दबा के ऊपर आप आ सकते हो, कंट्रोल होम। अब यहां पे डे आपको सेट करना है कि इस तारीख को कौन सा डे था। तो इक्वल करके टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाओगे, ब्रैकेट ओपन, वैल्यू में ये डेट देनी है, कॉमा, डबल कोट्स के अंदर 3 बार डी देना है, डी डी डी, डबल कोट्स बंद, एंटर कर दीजिए, मंडे आ गया। यहां डबल क्लिक कर दीजिए तो ये डे अपने आप नीचे तक फिल हो जाएंगे। अब आपको यहां क्लिक करना है, यहां नहीं करना, यहां करना है। कंट्रोल ए दबा दीजिए, पूरी टेबल आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, और होम से बॉर्डर लगा दीजिए। यहां से इनको आप कर लीजिए बोल्ड, ठीक है, और इनको हाईलाइट भी आप कर सकते हो इस तरह से। उसके बाद दोस्तों अब हमें करना क्या है, इन डेट्स और सीरियल नंबर को हम सेंटर में कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे हमें 1 तारीख को टोटल रिसीप्ट अमाउंट लाना है, टोटल पेमेंट अमाउंट लाना है, फिर बैलेंस और ये बैलेंस दोनों कैलकुलेट करने हैं। तो यहां पे रिसीप्ट अमाउंट हम लेके आएंगे 1 तारीख को। तो हम रिसीप्ट वाली सीट पे हम जाएंगे, तो यहां पे आप देखोगे 4/1/4/1, यहां पे दो एंट्री है 4/1 की, कितनी भी हो सकती हैं। तो यहां से हमें अमाउंट का टोटल करके यहां लाना है डे बुक में, रिसीप्ट अमाउंट अमाउंट में। तो सम इफ का फॉर्मूला यहां पे लगेगा, इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले इसमें हमें रेंज देनी है जहां पे हमें क्राइटेरिया चेक करना है। तो यहां पे हमें लाना रिसीप्ट अमाउंट, तो हम जाएंगे रिसीप्ट वाली सीट पे और यहां से ये डेट्स कर लेंगे सिलेक्ट। ये डेट्स वाला कॉलम आपको वहां तक सिलेक्ट करना है जहां तक टेबल का फॉर्मेट लगा हुआ है। अगर नीचे एंट्री खाली है ना और टेबल का फॉर्मेट लगा हुआ है, तो भी पूरा आपको कॉलम सिलेक्ट करना है जहां तक टेबल का फॉर्मेट लगा हुआ है। उसके बाद यहां पे एक कॉमा लगा दीजिए,
कॉमा लगाने के बाद कह रहा है क्राइटेरिया क्या चेक करना है यहाँ पे, तो आप डे बुक पे वापस आइए और यहाँ से पहली डेट इसमें दे दीजिए, फिर कॉमा लगाइए। उसके बाद कह रहा है कि सम रेंज, सम कहाँ से करना है, तो इसके लिए फिर से जाएंगे रिसिप्ट वाली सीट पे और यहाँ से अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए अमाउंट आ गया, रिसिप्ट अमाउंट 1 तारीख को, 1 अप्रैल को टोटल अमाउंट 25,000 जो है वो रिसीव हुआ। आप रिसिप्ट वाली सीट पे जाके देखिए, यहाँ पे 1 अप्रैल दो जगह डेट लिखी हुई है और यहाँ पे देखिए 20,000 और 5,000, 25,000 हो गया, एकदम बिल्कुल सही आया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इस फॉर्मूला को नीचे आप ड्रैग कर दीजिए, यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए तो नीचे अपने आप कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ आप देखिए 2 अप्रैल को यहाँ पे जो अमाउंट रिसीव हुआ 40,000 है, तो आप रिसिप्ट वाली सीट पे जाओगे तो 2 तारीख को, 2 अप्रैल को यहाँ पे 40,000 है, एकदम बिल्कुल सही आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह यहाँ पे पेमेंट अमाउंट निकालेंगे इक्वल करके, सम इफ ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे क्राइटेरिया चेक जहां करना है वो रेंज हमें देनी है, तो पेमेंट अमाउंट हम निकाल रहे हैं तो पेमेंट वाली सीट पे जाएंगे और यहां से डेट ले लेंगे, ये डेट ले लेंगे पूरी लेनी है जहां तक टेबल का फॉर्मेट लगा हुआ है, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद क्राइटेरिया देना है तो वापस हम डे बुक पे आएंगे और क्राइटेरिया में ये पहली डेट देंगे, कॉमा। उसके बाद यहाँ पे सम रेंज, तो फिर से जाएंगे पेमेंट पे, पेमेंट वाली सीट पे और यहां से ये अमाउंट कर लेंगे सिलेक्ट, एंटर कर देंगे। तो यहां पे देखिए पेमेंट अमाउंट भी आ गया, डबल क्लिक करके फॉर्मूला नीचे कॉपी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप चेक करोगे 1 अप्रैल 2019 को टोटल जो अमाउंट की पेमेंट हुई वो है 20,000, तो आप जाके चेक कीजिए पेमेंट वाली सीट पे, यहाँ पे एक ही डेट है 1 अप्रैल की और यहाँ पे 20,000। ठीक है, सेकेंड डेट को यहाँ पे है 40,500, तो आप देखोगे यहाँ पे 40,500। तो अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। यहाँ पे बैलेंस ऑफ डे निकालना है, मतलब जैसे 1 तारीख को हमारे पास कितना पैसा आया, कितना दे दिया, तो 1 तारीख को कितना बचा, 1 तारीख को जो आया और जो गया उसमें से कितना बचा, तो इक्वल करके रिसीप्ट अमाउंट में से माइनस कर देंगे पेमेंट अमाउंट, एंटर कर देंगे, तो ये आ गया बैलेंस ऑफ डे, डबल क्लिक कर देंगे, नीचे फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। यहाँ देखिए आप 2 तारीख के अंदर आप देखोगे 40,000 आया पैसा और 40,500 गया, तो 500 रुपये माइनस हो गए, है ना। अब यहां पे टोटल बैलेंस हमारा निकलेगा, टोटल बैलेंस यहां पे निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल करके पहले तो हम ये सिंपल निकालेंगे कि यहां पे ये वाला सेल माइनस करके ये वाला सेल, एंटर कर देंगे, तो यहां पे ये निकल आया क्योंकि यहां अभी स्टार्टिंग हुई है। अब ये फॉर्मूला नीचे कॉपी नहीं करना है, आपको यहां पे एक फॉर्मूला और लगाना है, थोड़ा मॉडिफाई करना है इसको। यहां पे जो फॉर्मूला होगा बैलेंस के लिए उसमें क्या होगा, प्रीवियस बैलेंस प्लस में इस डेट का बैलेंस माइनस में ये, तो यहां पे लगाएंगे इक्वल दिस बैलेंस प्लस दिस बैलेंस माइनस दिस, एंटर कर देंगे, तो ये फॉर्मूला यहां पे लग गया। आप डबल क्लिक कर दीजिए, ये नीचे तक कॉपी हो जाएगा। यहां पे बैलेंस हमारा जो 1 तारीख को बचा था वो 5,000 बचा था, ठीक है। अगले दिन 40,000 हमारा पैसा आया बट 40,500 गया, तो 500 माइनस हो गया, तो यहाँ पे अपना बैलेंस इतना बचा। अब यहाँ पे मान लीजिए आप एंट्री करते हो रिसीप्ट के अंदर, एक एंट्री और कर देते हो, मैंने यहाँ पे एक डेट डाल दी 4/7/2019, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आपने किसी चीज़ का रेंट दिया, आप यहाँ कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे मैंने दिया इसको कार्ड के जरिए, और कितना दिया अमाउंट 34,000, आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। डे बुक में जाओगे तो यहाँ पे देखिए बाकी डेट्स यहाँ पे ब्लैंक की हैं और यहाँ पे 7 तारीख का, 7 अप्रैल को जो हमने एंट्री की थी रिसिप्ट वाली, वो यहाँ पे अपने आप आ गई है ना, और इसके बाद बैलेंस जो अपने आप जो है ये दिखा रहा है। उसी तरह से हम पेमेंट के अंदर गए और पेमेंट के अंदर भी मैंने यहाँ पे मान लीजिए कोई एक डेट ले ली, मान लीजिए मैं वही डेट ले लेता हूँ 4/7/2019 को हमने पेमेंट की, मान लीजिए पेमेंट की इलेक्ट्रिसिटी बिल, ELE मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बिल, ठीक है, और ये हमने किया मान लीजिए कार्ड से किया, और कितना किया मान लीजिए 12,000 किया। डे बुक में जाके चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 7 अप्रैल को 12,000 की पेमेंट हुई, तो यहाँ पे सब कुछ सेट है दोस्तों, सब कुछ अपने आप होता रहेगा। रिसिप्ट वाली सीट पे आप एंट्री कीजिए, रिसिप्ट वाली पेमेंट वाली सीट पे पेमेंट वाली एंट्री कीजिए, और डे बुक पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे अपने आप कैलकुलेशन होती रहेगी, अपने आप यहाँ पे सब कुछ मेंटेन होता रहेगा। तो ये सब कुछ अभी सेट है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, जैसे मैंने इनको सेलेक्ट करके मर्ज कर दिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया डे बुक रिपोर्ट,
ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसको हाईलाइट करके यहाँ से बोल्ड कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सर्चिंग के लिए हम कुछ सेट कर लेते हैं। इनको मैं करूँगा सिलेक्ट यहाँ से कंट्रोल सी, और इनको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा कंट्रोल वी। ठीक है, और यहाँ से मैं इनको सिलेक्ट करके मर्ज कर लूँगा, और यहाँ से भी इनको मर्ज कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे डेट, ठीक है, और इनको आप सिलेक्ट करके थोड़ा सा फॉर्मेट सेट कर लीजिए। मर्ज करके यहाँ पे लिख दीजिए सर्च बाय डेट, ठीक है, और थोड़ा फॉर्मेट इसको भी कर दीजिए, ये हो गया। बॉर्डर लगा दीजिए इस पर भी, ठीक है, और यहाँ डेट वाले सेल को और हाईलाइट कर लीजिए, ये हो गया। यहाँ पे इनको भी आप कर लीजिए बॉर्डर लगा के सेट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमें वी लुकअप लगाना होगा कि जो भी डेट हम यहाँ लिखे ना, उस डेट की रिसीप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, बैलेंस ऑफ डे, बैलेंस सब कुछ यहाँ पे ले आए। तो कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ से इसको सही कर देते हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ इस डेट वाले सेल पे क्लिक करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखना है, राइट एरो दबाइए और डाउन एरो प्रेस कर लीजिए, तो ये जो टेबल है वो पूरी नीचे तक सिलेक्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है दोस्तों, यहाँ सीरियल नंबर हमने इसमें सिलेक्ट नहीं किया है क्योंकि हम यहाँ वी लुकअप लगाएंगे, और वी लुकअप में जो लुकअप वैल्यू होगी वो होगी डेट। तो डेट हमारी टेबल के अंदर जो कि हम वी लुकअप में देंगे, इसमें फर्स्ट कॉलम में होना जरूरी है। ये टेबल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आ जाएंगे नेम बॉक्स में, और इस टेबल का एक नेम दे देंगे। मैंने इसका नेम दे दिया डे बुक, एंटर कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे पहला वी लुकअप इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू में ये सेल देंगे और इसको लॉक कर देंगे F4 दबा के। ठीक है, लॉक करने के बाद यहाँ पे कॉमा लगाइए, उसके बाद कॉलम टेबल एरे देना है, टेबल एरे, तो यहाँ पे हम टेबल का नेम दे देंगे डे बुक कॉमा। हमें लाना क्या था यहाँ पे, यहाँ पे हमें रिसिप्ट अमाउंट निकालना है, और रिसिप्ट अमाउंट इस टेबल के अंदर थर्ड कॉलम के अंदर है। यहाँ से गिनेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 लिखेंगे, कॉमा 0, एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे एन ए एरर आ गया क्योंकि हमने यहाँ पे कोई डेट नहीं लिखी हुई है। तो एरर को भी हम यहाँ से हटा देते हैं इफ एरर लगा के। इक्वल के बाद लिखेंगे इफ एरर ब्रैकेट ओपन, लास्ट में जाएंगे कॉमा लगा के डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स बंद और ब्रैकेट बंद, एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे ब्लैंक आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कोई डेट आप लिखिए, मैंने यहाँ पे 1 अप्रैल की डेट डाली और एंटर करके देखा तो 1 अप्रैल को इसने सर्च करके दिखाया कि रिसीप्ट अमाउंट इतना था। इस सेल पे क्लिक करके फॉर्मूला कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी, यहाँ पे पेमेंट अमाउंट है, और डबल क्लिक करके यहाँ पे कॉलम नंबर चेंज कर देंगे, 3 की जगह 4 कर देंगे क्योंकि हमारी टेबल के अंदर फोर्थ कॉलम के अंदर पेमेंट अमाउंट है। ठीक है, एंटर कर देंगे तो यहाँ पे ये पेमेंट अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पे भी हमें एक काम करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल वी से फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे, कॉलम नंबर चेंज कर दीजिए आप यहां से, 4 की जगह 5 कर दीजिए। उसी तरह से आप कॉपी करके यहां पेस्ट कर दीजिए, और यहां पे भी आपको ये चेंज कर देना है कॉलम नंबर 6। ठीक है, ये देखिए यहां पे सारे वी लुकअप के फॉर्मूलेज लग गए हैं। आप यहां पे कोई भी डेट दोगे, मान लीजिए आपने यहां पे सेकेंड डेट दी अप्रैल की, तो यहां देखिए रिसीप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, बैलेंस ऑफ डे और बैलेंस, तो यहाँ पे सब कुछ अब आपको ये वी लुकअप दिखाता रहेगा दोस्तों। जितने भी फॉर्मुलेज यहाँ इस वीडियो में हमने यूज किए हैं सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। इफ एरर हो, वी लुकअप हो, सम इफ हो, जो भी हो, सभी के आप सीख सकते हो आसानी से। तो ये दोस्तों डे बुक कंप्लीट है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पे कोई भी एंट्री करोगे रिसिप्ट पेमेंट के अंदर, तो डे बुक के अंदर वो सारी चीजें आपको अपने आप दिखाई देती रहेंगी। तो एक बार आप बना के देखिए, और अगर आपको ये टेम्पलेट चाहिए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में मुझे अपनी ईमेल आईडी दे दीजिए, मैं आपको मेल कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों, और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, दीपक ईडीयू वर्ल्ड को बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।